एक ऐतिहासिक और धार्मिक शहर कैसे धीरे धीरे पाताल में धस रहा है, इसे समझना जरूरी है। आखिर जोशीमठ के धसने की वजह क्या है, इसका पता लगाने के लिए 3 महीने पहले उत्तराखंड सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने नवंबर में अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी। एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट में जोशीमठ शहर के धसने की क्या वजह बताई, आइए आपको दिखाते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट, आईआईटी रुड़की और सीबीआरआई रुड़की के एक्सपर्ट्स की कमेटी ने 4 दिन तक सर्वे करने के बाद जोशीमठ शहर के धसने के कुछ बड़े कारण बताए। ग्लेशियर वाले पहाड़, अलकनंदा नदी का तेज बहाव, क्षमता से अधिक निर्माण कार्य, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम ना होना, सीवर सिस्टम की कमी, लगातार जंगलों के कटने से भूस्खलन और बड़े प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ों पर विस्फोट। वाडिया इंस्टीट्यूट के रिटायर्ड सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर डीपी डोभाल के मुताबिक जोशीमठ शहर ग्लेशियर के रॉ मटेरियल पर बसा है। यहाँ पहाड़ कमजोर है, हैवी कंस्ट्रक्शन ने हालात और खराब कर दिए हैं। पानी की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है और उसके ऊपर जो है आपका उसमें दशा हो रहा है, सम्पिंग हो रही है, क्योंकि आप जो है कहीं क्रैक पड़ रहे हैं, कहीं कुछ पड़ रहे हैं, उसमें टनल नीचे टनल बनाए जा रहे हैं, ऊपर से आप लोग हैं जो जो नीचे का जो कंपन हो रहा है, जो आप ब्लास्ट कर रहे हैं, जो आप टनल बना रहे हो, उसका तो कुछ प्रभाव पड़ेगा ना। तो वो जब से टनल बने मुझे तो तब से ये और एक्टिव हो गया है, जोशीमठ का दशा जो है तभी से ज़्यादा एक्टिव हो गया। जोशीमठ के धसने की एक वजह जोशीमठ शहर से निकलने वाली अलकनंदा नदी भी है। अलकनंदा नदी का तेज बहाव लगातार पहाड़ की मिट्टी को काट रहा है, जिससे पहाड़ नीचे की ओर खिसक रहा है। इसके अलावा जोशीमठ के आसपास जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बड़ी बड़ी सुरंग बनाई गई हैं, जिससे पहाड़ खोखले हो गए हैं। खाली जगह की वजह से पहाड़ तेजी से धस रहे हैं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक जमीन धंसने की एक और वजह खराब सीवर और ड्रेनेज सिस्टम भी है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही खराब तरीके से बना हुआ है। कहीं कहीं तो बताया गया कि वाटर जो नाली जा रही है, नाला जा रहा है, वो अचानक से खत्म हो गया, पानी पूरा जमीन में जा रहा। उसी प्रकार से सीवर सिस्टम को बताया गया कि सीवर सिस्टम नहीं है, और मोस्टली अगर कहीं पर है भी तो वो कनेक्टेड नहीं है घरों से। जोशीमठ कई साल से धंस रहा है, लेकिन 2020 के बाद हालात तेजी से बिगड़े। फरवरी 2021 में बारिश के बाद आई बाढ़ से सैकड़ों मकानों में दरार आ गई। पिछले साल बारिश के बाद तो हालात और खराब हो गए हैं। जोशीमठ शहर आज जिस हालात में पहुंचा है वो भारी लापरवाही का नतीजा है। दरअसल जोशीमठ को लेकर करीब 50 साल पहले एक सरकारी कमेटी ने अलर्ट जारी किया था, वार्निंग दी थी। सीधे आइए यहां पर, धस्ताश रहा शहर, 50 साल सोती रही सरकार। बिल्कुल ठीक है, बल्कि हमने भी एक रिपोर्ट दिखाई, उसके बाद भी क्या हुआ। 1970-1971 की बाढ़ के बाद जोशीमठ में भूस्खलन बढ़ा, नंबर वन। नेक्स्ट दिखाइए, तब यूपी सरकार ने भूगर्भीय अध्ययन के लिए एक कमेटी बनाई थी। फिर देखिए अब आप यहां पर, कमेटी ने बताया कि जोशीमठ ग्लेशियर से बहकर आई मिट्टी पर बसा है, सोचिए। नेक्स्ट देखिए, कमेटी ने कहा कि मिट्टी के साथ जो चट्टाने हैं उनको छेड़ा ना जाए। फिर क्या कहा उन्होंने, जोशीमठ शहर में भारी निर्माण कार्य नहीं करने की सलाह दी थी। फिर देखिए अब आप, भूस्खलन रोकने के लिए पहाड़ी पर वृक्षारोपण करने को कहा था। कौन करता है इस देश में, सोचिए, सोचने वाली बात है, सब होना चाहिए था। 1976 में गढ़वाल के कमिश्नर रहे एमसी मिश्रा, कमेटी ने भी रिपोर्ट दी, बड़ी डिटेल है ये। मिश्रा कमेटी ने कहा था जोशीमठ धीरे धीरे धस रहा है। 1976, सोचिए, सबके बीच में जोशीमठ सिर्फ एक शहर नहीं है, यह भारत चीन बॉर्डर के पास स्थित एक अहम लोकेशन है। चलिए इस शहर की अहमियत समझ लेते हैं। अब यह जरा ध्यान से देखिएगा, जोशीमठ कितना अहम है। नंबर वन, जोशीमठ में आईटीबीपी का कैंप है। अब जरा इसको अलग तरीके से देखते हैं। बद्रीनाथ मंदिर से दूरी सिर्फ 45 किलोमीटर है। बद्रीनाथ धाम तीर्थ यात्रा के रूट पर स्थित है। जोशीमठ से पवित्र स्थल तपोवन की दूरी 14 किलोमीटर है। स्कीइंग के लिए मशहूर औली से दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर है। हेमकुंड साहिब से जोशीमठ की दूरी 37 किलोमीटर है।